वेलकम टू ऑल ऑफ यू द टॉपिक ऑफ आवर ई लेक्चर इज नियो डार्विनिज्म मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नियो डार्विनिज्म या नव no डारविन वाद क्या है ये एक डार्विनवाद वाद का रिफाइंड फॉर्म है मॉडिफाइड फॉर्म है और जिसमें क्या होता है कि डार्विनिज्म को जो है मैंडलिज्म के साथ इंटीग्रेट किया गया यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डार्विनिज्म एंड मैंडलिज्म दोनों का जो है दोनों तो को कंबाइन किया गया है हालांकि मैंडलिज़्म से जो है मैंडलिज्म के बारे में डार्विन को जानकारी नहीं होने के कारण डार्विन को जो है ट्रेड्स के जो है इनहेरिटेंस होने के बारे में लक्षणों की वंशागति के बारे में कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था कोई जानकारी नहीं थी और इस कारण जो है उनकी जो परिकल्पना थी वो क्या थी इनकम्प्लीट थी अधूरी थी और त्रुटिपूर्ण थी और फिर बाद में जब 1900 में जो है 1900 में मेंडेलिज्म की जो है रीडिस्कवरी हुई मैंडलवाद की तब जो है डार्विनिज्म को जो है मैंडलिज़्म के बेसिस पर मॉडिफाइड किया गया और यही मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है नव डार्विनवाद वाद न्यू डारविन न्यू डार्विनिज्म या फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि न्यू डार्विनिज्म इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ डारविनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाई नेचुरल सेलेक्शन इन कारपोरेटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ जेनेटिक्स यानी इसमें नेचुरल सेलेक्शन के साथ में जेनेटिक्स की फाइंडिंग्स को जो है इन कार्पोरेट किया गया है शामिल किया गया है और दोनों मिला करके और फिर जो है एक नया मॉडिफाइड फॉर्म नया कंसेप्ट बन गया नवडारवाद नियो डारविनिज्म नव डारिन वाद के जो फॉलोअर्स या फिर कह सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स कि ये किसने जो है इसको कॉन्ट्रीब्यूट किया नव डारमानस को और उसको हम देखते हैं राइट डॉब जेंसकी इसके अलावा स्टेबिन हगजले हर्बर्ट स्पेंसर अनस्ट हैकल एंड वीजमैन ये सब ये सब जो है नियो डारेनिज़म के कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे और नव डार्मिनवा में क्या होता है कि जो जैव विकास की जो मैकेनिज़्म होती है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की जो मैकेनिज़्म होती है उस मैकेनिज्म को जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन के रेफरेंस में समझाया गया है किसके रेफरेंस में पॉपुलेशन की रेफरेंस रेफरेंस होता पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होता है इसके अनुसार क्या होता है कि जी किसी पर पॉपुलेशन उपस्थित जो जेनेटिक वेरिएशंस होती है उस वेरिएशंस पर क्या काम कौन काम करता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन काम करता है और नेचुरल सेलेक्शन काम करता है नेचुरल सेलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वर्क्स ऑन जेनेटिक वेरिएशंस विच प्रजेंट इन द पॉपुलेशन एंड प्रोवाइडेड न्यू एडेप्टिव रेडियस टू द पॉपुलेशन अर्थात इसमें क्या होता है कि जो है पॉपुलेशन में उपस्थित जो जेनेटिक है उस पर नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन काम करते हैं और पॉपुलेशन को जो है एक नई एडेप्टिव डायरेक्शन जो है एक नई अनुकूलिनी दशा प्रदान करते दिशा प्रदान करते हैं और जिससे क्या होता है कि नई जातियों का विकास होता है और अब हम न्यू को देखें तो इसके बेसिक प्रोसेस जो है कि किस प्रकार नव डारवाद की प्रक्रिया जो है पूरी होती है तो हम देखते हैं इसमें अलग अलग जो है जो प्रोसेस हैं जीन म्यूटेशन चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जीन रिकॉम्बिनेशन आइसोलेशन हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचुरल सेलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये कुल अलग अलग तरह के जो है जो हैं बेसिक प्रोसेस है नव नाउ इनवाद के इसमें से जो है हमने जो है देखो आप इस हम सब कैटेगराइज किया गया इसको कि ए और बी इसमें से ए में जीन म्यूटेशन और चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आइसोलेशन हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट ये जो ए ग्रुप के जो प्रोसेसज हैं वो सामान्यतः क्या है कि वेरिएशंस को इनक्रीज़ करने का काम करते हैं कि वेरिएशन आती कहाँ से वेरिएशन जो है उत्पन्न कैसे होती है तो ये जो प्रोसेसेस वेरिएशंस को क्रिएट करने वाले हैं और उसके बाद जब वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती है विभिन्नता उत्पन्न होती है तो उसका फिर जो है सेलेक्शन जो नेचर सेलेक्शन किस तरह से करती है तो नेक्स्ट बी ग्रुप जो है नेचुरल सेलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो ये इसके बेसिक प्रोसेस है तो न्यू डार्विनिज्म या नव डार्विनवाद जो है उस विभिन्नताओं का कारण बताता है उसको डिस्क्राइब करता है कि विभिन्नताएं जो है किस वजह से हुई है जैसे म्यूटेशन के फॉर्म में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्रोमोसोम लाइबरेशन के फॉर्म में नेचुरल सेलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो हमने देखा था कि जो आठ प्रोसेसेज जो है उसके इसके नव न्यू डार्विनिज्म के उसमें से पहले तीन प्रोसेस जो है प्रक्रियाएँ जो है वो कौन कौन सी जीन म्यूटेशन चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये क्या होता है कि जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीजिंग द वेरिएशन इन इंडिविजुअल जीनोटाइप ऑफ अ जीन पूल किसी भी जीन पूल के इंडिविजुअल जीनोटाइप में वेरिएशन इंक्रीज करने के लिए ये जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं पहले वाले तीन प्रोसेसेस अब हम देखते हैं कि जीनोटाइप और जीन पूल होता है, क्या है जीनोटाइप मीन्स जीनी स्ट्रक्चर किसी भी स्पीसीज के पर्टिकुलर मेंबर में जितने भी जीन पाए जाते हैं उन सारे जीन्स को मिला कर के हम कहते हैं जीनोटाइप या जीनी स्ट्रक्चर और जीन पूल क्या होते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स विद विद इन इंटरब्रीड पॉपुलेशन की एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स के सारे जीन्स जो अलग अलग जीन्स होते हैं उन सारे जीन्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है जीन पूल कहलाता है यानी किसी क्षेत्र विशेष में जाति के सभी सदस्यों में जो जीन उपस्थित होते हैं वो सारे जीन मिल करके और उस जाति का जीन पूल या जीन संचय बनाते हैं तो इस तरह से ये जीन पूल और जीनोटाइप और अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को देखते हैं सबसे पहले देखते हैं जीन म्यूटेशन जीन म्यूटेशन क्या होता है कि चेंज इन डीएनए। एन और डीएनए में चेंज होने से हम जानते हैं कि वेरिएशंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है लाइफ एसपे एंड डीएनए कैन चेंज कैन को चेंज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है जीवन के समस्त पहलुओं को ये बदल देता है वेरिएशंस को जो है बदल देता है और म्यूटेशन जो है इवोल्यूशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और जेनेटिक वेरिएशंस के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है कच्चे माल के रूप में ये काम करता है और बिना म्यूटेशन के बिना जीन म्यूटेशन के उत्परिवर्तन के जो है जो विकास या इवोल्यूशन संभव नहीं है नहीं पाया जाता है विकास नहीं हो सकता नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन एंड पॉलीप्लॉयडी क्रोमोसोमल एबरेशन मीन्स चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तो क्रोमोसोमल ऑबरेशन जो है एबरेशन या फिर गुणसूत्री विफतन खासतौर से डुप्लीकेशन और इन्वर्जन ये जो है किसी भी स्पीसीज़ के नई स्पीसीज़ के विकास और उसकी उत्पत्ति में जो है सहायक होते हैं उसमें वेरिएशंस इंक्रीज करने में सहायक होते हैं इसके अलावा जो है पॉलीप्लॉयडी मीन्स चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो पॉलीप्लॉयडी भी जो है एवोल्यूशन में जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है और ये जो है कह सकते हैं कि पॉलीप्लॉयडी हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन ऑफ न्यू वेरिएशंस न्यू वेराटीज़ एंड स्पीसीज़ इन नेचर इट इज़ जनरली नोटेड दैट विद द इंक्रीज इन क्रोमोसोल नंबर द एडेप्टिलिटी एंड वेरिबिलिटी ऑफ स्पीसीज़ इंक्रीज प्रोग्रेसिवली हम कह सकते हैं कि अगर क्रोमोसोन नंबर में इनक्रीज़ होगा वृद्धि होगी तो क्या होगा कि जो है किसी भी स्पीसीज़ में जो है उसकी वेरिसिन में जो है उसकी अडेप्टिबिलिटी में जो है नेचुरली जो है चेंजेज होंगे वो भी अडेप्टबिलिटी भी जो है इनक्रीज़ हो जाएगी तो क्रोमोसोमल लाइब्रेश और पॉलीप्लॉयडी दोनों ही जो है वेरिएशन को इनक्रीज करने में सपोर्ट करती है उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है आनुवांशिक पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आल्सो इन्क्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीव हैं उनमें जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को इनक्रीज करने में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का भी जो है एक महत्वपूर्ण योगदान है और ये जो है एक नए तरीके से जो है नए रूप से कार्य करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में जो है वेरिएशन जो है इंक्रीज होती है और उसके बाद हम माइग्रेशन को देखते हैं माइग्रेशन या प्रवास माइग्रेशन इन इनेबल्स जीन फ्लो जीन फ्लो को सक्षम करते हैं जीन फ्लो इंक्रीज करते हैं जीन फ्लो को के लिए जिम्मेदार होते हैं जीन फ्लो क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन इन टू अनोदर एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जीन का मूवमेंट होना जीन फ्लो कहलाता है और जीन फ्लो किसकी वजह से हो सकता है माइग्रेशन की वजह से प्रवास की वजह से एंड एवोल्यूशन कैन आल्सो शो एज़ ए रिज़ल्ट ऑफ जीन बीइंग ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनोदा एक जीन्स का जो है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में ट्रांसफर होने से जो है विकास की प्रक्रिया जो है बढ़ती है विकास बढ़ता है और जीन फ्लो वॉकर्स वैन दे आर माइग्रेशन और ये जीन फ्लो तभी होगा जब माइग्रेशन होगा प्रवास संभव हो पाएगा तभी जो है जीन फ्लो होगा एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जीन का ट्रांसफर हो पाएगा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी विथ जीन बींग एक्सचेंज बिट्वीन पॉपुलेशन संकरण के द्वारा भी जो है आनुवंशिक विभिन्नताएँ जो है वो बढ़ती है और इसमें पॉपुलेशन के बीच जीन का एक्सचेंज होता है और ये जो है जीन एक्सचेंज या फिर कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सब स्पीसीज के बीच में स्पीसीज के बीच में या फिर रिलेटेड जेनेरा जो है उसके बीच में हो सकता है उसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट या अनुवांशिक विचलन जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ जीन वेरियंट्स कि किसी भी पॉपुलेशन के जो जो पाए जाने वाले जो जीन वेरियंट्स है जीनी वेरिएशंस है उस वेरिएंस में उस वेरिएंट्स में उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होना फ्रीक्वेंसी में चेंज होना जेनेटिक ड्रिफ्ट या अनुवांशिक विचलन कहलाता है और ये बाई चांस होता है नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा नहीं होता है यानी क्या होता है कि कभी कभी अगर जो है किसी बड़ी पॉपुलेशन से या पॉपुलेशन के ग्रुप में जो है वो ग्रुप जो है मुख्य समूह से अलग हो जाता है या फिर कोई बड़े ग्रुप के जो है मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो एपिडेमिक या फ्लड ड्रॉट किसी कारणों की वजह से नष्ट हो जाते हैं तो जो बाकी बची हुई आबादी है या उसके जो मेंबर्स हैं उस मेंबर्स में कम पूरा का पूरा जीन पूल नहीं होता है हम जानते हैं कि जीन पूल क्या होता है कि एक इंटरब्रीड जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन में पाए जाने वाले डिफरेंट जीन्स का जो है क्या है कलेक्शन है लेकिन अगर कोई बड़ी आबादी से जो है छोटी आबादी अलग हो जाए किसी की किसी वजह से तो उस बची हुई आबादी में एक कंप्लीट जीन पूल नहीं होता है यानी कई जीन तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं और कुछ की जो है परसेंटेज बढ़ जाते हैं घट जाते हैं तो इस तरह से जीन पूल में इस तरह की जो वेरिएशन होती है जो विभिन्नताएँ होती है जो परिवर्तन होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी में चेंजेज आते हैं उसी को हम कहते हैं आनुवंशिक विचलन या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट तो ये भी जो है न्यू डायविजन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण कि अभी तक हमने जो ऊपर वाली प्रक्रियाएं देखी है जीन म्यूटेशन है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है पॉलीप्लॉयडी है माइग्रेशन है उन सारी प्रक्रियाओं की वजह से क्या होता है कि कारण क्या होता है कि किसी भी जाति की जनसंख्या जो है किसी भी स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप बन जाते हैं कि ड्यू टू द अबोमेंसन प्रोसेसिस डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एंड दीज न्यू जीनोटाइप्स आर रॉ मेटेरियल ऑन विच नेचुरल सेलेक्शन वर्कस कि ये जो नए जीनोटाइप बने हैं वो एक रॉ मेटेरियल के रूप में काम करते हैं जिस पर नेचुरल सेलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण जो है क्या करता है कार्य करता है और इस नेचुरल सेलेक्शन के कारण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या के उन सदस्यों के विकास और जनन का सबसे अधिक अवसर मिलता है जिनके जीनोटाइप में जो है एडेप्ट एडेप्टबिलिटी वाले जीन्स जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं यानी एडेप्टबिलिटी के जीन्स जहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे उनकी उनको ही जो सबसे ज़्यादा नेचुरल सिलेक्शन का जो है अवसर मिलता है तो इस तरह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नेचुरल सिलेक्शन से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उन जीन्स की संख्या बढ़ती जाती है जिसमें जो है एडेप्टबिलिटी के करेक्टर्स सबसे ज़्यादा होते हैं जो एडेप्टन के लिए बेनिफिशियल होते हैं तो हमने कहा था कि जो है कि नेचुरल सेलेक्शन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जो है उन जीन्स की संख्या बढ़ती है पीढ़ी दर पीढ़ी जो एडेप्टेशन के लिए बेनिफिशियल हो कि नेचुरल सेलेक्शन से इनक्रीज द नंबर ऑफ जीन्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर एडेप्टेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी लास्ट जो बेसिक uh, प्रोसेस है न्यू डायरिजन का है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या जननात्मक पृथकर्म पॉपुलेशन आर कम्प्लीटली सेपरेट बाई फिजिकल बैरियर्स लाइक माउंटेंस रिवर डेजर्ट्स एट्सट्रा कि कोई पॉपुलेशन जो है इस फिजिकल बैरियर्स के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट हो गई और सेपरेट पॉपुलेशन क्या करती है सेपरेट पॉपुलेशन टू देयर ऑन यूनिक एनवायरनमेंट कि वो अपने जो यूनिक एनवायरनमेंट के प्रति एडिप्ट होने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उसमें इतने सारे जो है नए करेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं और वो जेनेटिकली डिफरेंट हो जाती है एक दूसरे से कम्प्लीटली जो है जेनेटिकली डिफरेंट हो जाती है और इस तरह से ये अलग होती है कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते है। जो है आपस में ये ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं मेटिंग नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के द्वारा जो है एक ही स्पीसीज से जो है कई जो है अलग और स्पष्ट जातियों की उत्पत्ति हो जाती है तो नव डारुनवाद हमने जो इससे पढ़ा कि नव डार्विनवाद जो है इसको हम समराइज वे में कहें तो क्या होता है कि नव डारुनवाद जो है डारुनिज़्म और मैंडलिज़्म दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है और हालांकि डारून ने पहले ये नहीं बताया था कि जो है ये वेरिएशंस जो है आती कहाँ से है, कि वेरिएशंस का जो नेचर जो है प्रकृति संरक्षण तो करती है लेकिन ये वेरिएशंस आती कहाँ से है? तो नव डारूनवाद में इसको स्पष्ट किया गया है कि जीन म्यूटेशन पॉलीप्लॉयडी क्रोमोसोम लाइबरिएशंस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस माइग्रेशन्स इन सब की वजह से जो है विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है और जब इस वेरिएशंस जब बन गई नई वेरिएशंस क्रिएट हो गई तो वो वेरिएशंस जो है आगे चल करके उनका जो है नेचर सेलेक्शन करती है प्राकृतिक वर्ण होता है और नई जातियों की उत्पत्ति होती है तो ये तरह से एक तरह से ये डार्विनिज्म का मॉडिफाइड फॉर्म जिसे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो